मोर नाम देवेंद्र कुमार डरसेना है। मैं ग्राम गढ़फुलजन में रहता हूँ और सोसाइटी के सामने मोर घर है। यहाँ किसान मला इतना परेशानी है कि जब से धान खरीदी केंद्र चालू है से तब से अभी तक वो समय में मारा मारी हुई धान के किसान मतलब बेचे बार टोकन फोकन बार। अब तो धान खरीदी खत्म होगी से और जब से धान खरीदी खत्म हुई से तब से सोसाइटी हानि से सब किसान मन वहाँ जाते हैं धूप में न पानी की व्यवस्था है न बैठे की व्यवस्था नहीं है न समय में फार्म भरा आते न समय में चेक होते। माने किसान मन 2 महीने से पहले ज़्यादा हो गए फार्म भरा है तेकर पैसा अभी तक नहीं मिले। ये सामने में मोर भाई है सुशील कुमार पांडे वोकर पैसा अभी तक नहीं मिले। कौन सा पैसा है? केसीसी का है? केसीसी का पैसा है। अब वो धान उधारी में धान ला खरीदारिस उधारी में ट्रैक्टर में जोतवा दारिस अब उधारी में खातू ला कहाँ लानी जबकि वो खुद के पट्टा है कागज पेश हो चुके हैं। आज परमिट काट के लानी से देख के महीना हो गए 2 महीना हो गए और अभी तक ये गोदाम ले मन खोलत नहीं है। हमन बोल के थक गए हैं इतना परेशान हैं किसान मन। मोर घर सामने में खात रहता हूँ मोर घर ला 10 आदमी 15 आदमी घुस जाते हैं कि सोसाइटी का एक बार खोल ही। मैं इतना त्रस्त हूँ इमन के मारे कि मत पूछ। मैं व्यवस्थापक ला अगर चंद ला भी कई बार बोल चुके हैं यदि इस सोमवार के खोलूँ मंगल के खोलूँ दसर ला बोले तो इमन के सबके मिली भगत है। व्यवस्थापक ला बोलता हूँ तो मोर अधीनस्थ कर्मचारी मन नहीं आ बोलते हैं अधीनस्थ कर्मचारी मन ला बोलता हूँ तो मोर व्यवस्थापक वैसे नहीं है। नहीं खोले के कारण का है? नहीं खोले के कारण वही है ओती मोर मौज मस्ती करते खा पिए थे यहाँ नहीं मिले काकुर का 2-4 पैसा खा पिए बार उस कारण है का है कोई फायदा है तब तो नहीं खोले बार यहाँ ला। तो किसान मन के लिए टोकन या खाद के परमिट कटवाए बार या फार्म भरे बार पैसा ही मांग करते हैं मन? नहीं कर ही करत है सवाल ही नहीं है। अब जब उम्र है तो कर ही यहाँ तो कोई खान सके नहीं। अच्छा अभी किसान मतलब खाद उपलब्ध होते हैं कि नहीं पर्याप्त मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में नहीं होए बार नहीं होते। 5 जगह जाना पड़ता है हमारे यहाँ सोसाइटी रहते रहते ये देख सामने में गोदाम है यहाँ हमला बरौली में जाना पड़ता है खातू लेके बार। अच्छा। हमारे यहाँ सोसाइटी है हमारे यहाँ गोदाम है हमन बरौली काबर खातू लेने जाबो हमन वो चौक ला खातू काबर लेके बार जाबो भाई जब यहाँ पहली 20 गांव के खातू मिलत रही से अब 6 गांव हो गए या 7 गांव हो गए तो 7 गांव ला खातू नहीं धरे धरी नहीं खातू ला। 20 गांव का स्टॉक रह रहा था पहले 20 गांव का स्टॉक रहते रही से हमें अब सिर्फ 7 गांव हमन डिवाइड हो गए हैं कुरचुंडी एक ठोनिया बन गए तो ये परेशानी है हमन मल्ला। और का कहेगा कोई कर्मचारी बात नहीं माने सभी कर्मचारी नहीं आए यहाँ जो चावल वाला है वह ढंग से उसे वितरण करत है बाकी मन के कोई काम नहीं है ढंग से। खुद व्यवस्थापक 11 बजे नहीं आए गोदाम ला कभी भी आके देखो कभी नहीं आए रोज शिकायत करते होकर अधीनस्थ मन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और बाकी दिन है अब उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं काका के कार्यकाल बहुत खुश हैं। अच्छा क्या क्या मतलब लाभ मिल रहा है किसानों को? मैंने किसान मतलब तो कहे रेखा छोका कर दी सबसे पहली गांव-गांव में गोठान खोल दी कंपोस्ट खाद बना दी हमारे धान ला 2500 2600 2800 में लघु कहते समय के पूर्व हमारे मतलब पैसा मिल जाते जैसे भी त्यौहार आते हैं हमला तो त्यौहार के पहले हमारे बोनस पैसा मिल जाते और अभी नया आदेश और निकाले है हमारे सरकार है कि जो किसान गोदाम जाके दस्तखत कर नहीं सके वर घर ला जाके तू मैंने सिग्नेचर करवा क्योंकि हमारे किसान मन ला कका है भूरज बघेल कका हमारे मतलब तोहफा देते मैंने कोई प्रकार के हमारे परेशानी हो नहीं देते किसान मन ला। कर्मचारी मतलब सख्त आदेश करते हैं कि हमारे किसान भाई मन ला कोई भी प्रकार के परेशानी नहीं होना चाहिए और मन के जो भी समस्या है वाला तत्काल हल करो। लेकिन खाद को लेकर तो आपको किल्लत का सामना करना पड़ रहा है क्या उसमें कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं बहुत बार बोल चुके कर्मचारी को जो किल्लत है इसमें राज्य सरकार की गलती है कि यहाँ के कर्मचारियों की गलती? यहाँ के कर्मचारियों की है राज्य सरकार की गलती नहीं है। मतलब कोई भी कोई भी नहीं है धान चावल पर्याप्त मात्रा में आया है बीज भंडार आया है जितना का लोग यहाँ पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं उतना का खाद आ रहा है। इन कर्मचारियों की वजह से जो ये कर्मचारी अभी लापरवाही कर रहे हैं जिनका आपने नाम बताया क्या इनके वजह से राज्य सरकार की बदनामी होती है? होना चाहिए सवाल ही नहीं कैसे नहीं होगी भाई लोग सरकार को ही सरकार को ही कोसेंगे विपक्ष वाले तो भी बोलवेज करेंगे कि ये सरकार निकम्बी है ये हमको खाद नहीं मिल रहा है समय में कोई नहीं मिल रहा है बोल करके जबकि गलती किसी दूसरे की है और सरकार भुगत रही है। यहाँ पर मैं भूपेश बघेल का कहला स्पष्ट निवेदन करता हूँ कि हमारे गढ़फुलझर में फुल प्लेस व्यवस्थापक दे अधिकारी फुल प्लेस व्यवस्थापक ये काम चालू सरकार है यहीं रही सेल्समैन वाला बना दिन है व्यवस्थापक और यह चला थे। तो
अभी जो समस्याएं बताए आपके खाद की, तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपका जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जो कांग्रेस के नेता भी हैं, क्या उन लोगों ने कभी समस्या का समाधान करने की कोशिश किया? हाँ, इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हमने यह मंडल अध्यक्ष भाजपा का जो यहाँ का मेंबर है, हमारे क्या है उनका नाम, माधव साहब, ये रहते हैं हाड़ा पथरा में। तो हमारे यहाँ महिपाल सिंह जी जटाल हैं, संयुक्त सचिव, उनको एक बार बोला कि यहाँ पर सोसाइटी को नहीं खोल रहे हैं महोदय, आप तो कांग्रेस से बड़े अधिकारी हो, संयुक्त सचिव हो, आप व्यवस्थापक एक बार बोलिए। तो उन्होंने व्यवस्थापक को बोला कि अगरचंद आप क्यों नहीं खोल रहे बोल करके। तो उस अगरचंद ने मंडल अध्यक्ष को फ़ोन कर दिया कि मेरे सोसाइटी को वहाँ पर बुला रहे हैं बोल करके। और उन्होंने महिपाल सिंह जटाल जी जो कांग्रेस के संयुक्त सचिव हैं उनको फ़ोन करके आके, महिपाल भाई क्यों यार परेशान कर रहे हो मेरे आदमी को, लेना धीरे से आ जाही, ऐसे टाइप के बोला बोलिस। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में मिली भगत है, आप ऐसा कहा? नहीं, मैंने बीजेपी के नेता का सह है उनको, मतलब उनको सह दे रहे हैं, सिंह का कहना है। अगर चंद को जो कार्यकर्ता सहयोग करना चाहते, सहयोग किया है तो गोदाम खोलो बोल करके। अभी विधानसभा चुनाव है जी, कांग्रेस और बीजेपी के ऐसे नेताओं का नाम बताएं जो जनसंपर्क कर रहे हैं इधर। अब कांग्रेस के तो नेता लोग तो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे जो महाराज हैं देवेंद्र बहादुर जी, भले किसी का नहीं बनाते नहीं बिगाड़ते, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग उनको आने जाने नहीं देते इधर, खास करके गढ़फुलझर में। अच्छा, हमको वही शिकायत है उनके कार्यकर्ता लोग, मतलब हाँ उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनका इधर आना जाना नहीं है, उनका कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम सेट नहीं करते। यहाँ के ग्रामीण जनता को पूछना चाहिए, भाई आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो आप, उनका तो भी परम कर्तव्य है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र गढ़फुलझर है, मैं भी खुद आऊँ। बाकी देवेंद्र बहादुर जी से कोई शिकायत नहीं है, क्या है वो तो बनाते भी नहीं तो बिगाड़ते भी नहीं है। बाकी लोग तो एक बार बिगाड़ते हैं, लेकिन लोग भले नहीं बनाते तो बिगाड़ते भी नहीं है जी, उनके उनका छवि अच्छा है जी, बिल्कुल। और बीजेपी से ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो जिनको आप? बीजेपी से अभी और क्या है, बीजेपी से तो रूप कुमारी चौधरी जी जनसंपर्क में हैं, जनसंपर्क में हैं, और हमारे यहाँ के डॉक्टर सोमनाथ के पत्नी वृंदावती पांडे जी भी हैं जी, और अपना संपत अग्रवाल जी जी जी, ये तीन जने का भीड़ी छोटी चल रहा है जी। ये लोग जन भूपेंद्र कुमार पांडे, गढ़फुलझर। अच्छा, गढ़फुलझर किसान है आप? हाँ किसान। बताइए किसानों को मतलब क्या परेशानी हो रहा है, खाद को लेकर या किसी ऋण को लेकर, और किनसे है आपसे आपको शिकायत? शिकायत अब किसे करेंगे, पूरा घुमाने वाला काम हो जाता है यहाँ, बस खाद टाइम में नहीं मिलता। अच्छा जी, यहाँ है वहाँ है, टाइम में नहीं मिलता, बस उतना ही है। ये बताइए मतलब यहाँ जो खाद का स्टॉक जो भंडारण हुआ है वो कितने दिन पहले हुआ है? वो तो बहुत दिन पहले हो गया है, लगभग फिर भी 2 महीना से पहले हो। अच्छा, गया 2 महीने है। जब खेती के पहले मतलब जो राज्य सरकार थी उन्होंने पूरा खाद भेज दिया था, भेज दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसका कारण क्या है? वो स्टाफ जानेंगे उसको, हम लोग क्या बताएंगे, वो स्टाफ ही पता नहीं। तो आप लोग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनसे आप संपर्क करते थे तो वो लोग क्या बोलते थे? वो आज मिलेगा कल मिलेगा, वही हाल है खाली। अच्छा, ऐसे कितने किसानों का ऐसी हाल है जो आप बता रहे हैं? पूरा किसान है जी। आपका क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम अकुल पांडे। अच्छा, कहाँ से हैं? गढ़फुलझर। अच्छा, गढ़फुलझर से हैं। क्या क्या परेशानी हो रहा है खाद? खाद में इधर देख के बात कीजिए, जगह जगह रखते हैं इन लोग, यहाँ नहीं रखते, गोदाम को नहीं बनाते हैं। अच्छा, बहुत किसानों को परेशान जा रहा है। समय में खाद मिला आप लोगों को? समय के हमको मिला, लेकिन बाकी आदमी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। हम पहले आवेदन बनाए तो हमको पहले मिला। अच्छा, पहले आवेदन आप कब किए थे, कितने माह हो गया? 2 महीना। 2 महीना तब आपको खाद मिल गया था? मिल गया। बाकी कई किसानों का अभी शिकायत है आसपास, आप देख रहे हैं कि उन लोग कहना कि हम लोग बहुत दिन से घूम रहे हैं। बहुत दिन से घूम रहे हैं, यहाँ तो कई किसान आते हैं, हम यहाँ मोहल्ला में हमारा घर है तो आते हैं। अच्छा, तो वो अध्यक्ष का पता नहीं कि वो व्यवस्थापक का पता नहीं है।